हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास वी वर रीडिंग चैप्टर नंबर फोर्टीन ऑफ हिस्ट्री क्लास एट्थ द नेशनलिस्ट मूवमेंट एटीन सेवेंटी टू नाइनटीन फोर्टी सेवन इन आवर प्रीवियस वीडियो वी रीड अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉड्रेट्स एंड रेडिकल्स पार्टीशन ऑफ बंगाल Formation of Muslim League and Marley-Minto reforms. Now continue with our next topic. Home Rule League In 1916, an Irish lady, Mrs. Annie Besant, established the Home Rule League in Madras and Bal Gangadhar Tilak established it in Maharashtra. 1916 में एक आयरिश लेडी जिनका नाम मिसिज एनी बेसेंट था उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में और इसी लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में की गई द पर पर्पज़ ऑफ द लीग वाज टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट इस लीग का मेन पर्पज़ था सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करना प्राप्त करना अचीव करना द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट बट द एगिटेशन कंटिन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की दबाने की कुचलने की कोशिश की परंतु यह कैंपेन था वो कंटिन्यू रहा चलता रहा तो होम रूल लीग एक ग्रुप का नाम था जिसका मेन पर्पस था सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना 1916 में मिसिज एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी और महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी नेक्स्ट लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 पैक्ट होता है एग्रीमेंट या समझौता 1916 में लखनऊ का समझौता हुआ था इसमें क्या था इन 1916 सिक्सटीन द मोडरेट्स एंड रेडिकल्स री यूनाइटेड टू स्ट्रेंथन द नेशनल मोमेंट आफ्टर नाइन ईयर्स एंड साइंड ए जॉइंट पैक्ट एट लखनऊ विद द मुस्लिम लीग हमने पहले पढ़ा था कि सूरत का जो अधिवेशन था सूरत में जो मीटिंग हुई थी उसमें मॉडरेट्स और रेडिकल्स अलग अलग हो गए थे टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे तो आफ्टर नाइन इयर्स, नाइनटीन सिक्सटीन में मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोबारा से इकट्ठे हो गए नेशनल मोमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए यह दोबारा से इकट्ठे नाइन इयर्स के बाद हुए थे इन्होंने लखनऊ में एक एग्रीमेंट साइन किया था मुस्लिम लीग के साथ दे जॉइंटली डिमांडेड सेल्फ रूल फॉर इंडिया इन्होंने सभी ने मिल के इंडिया के लिए सेल्फ रूल की डिमांड की थी अराइवल ऑफ़ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन अब इंडियन पॉलिटिकल सीन में महात्मा गांधी का अराइवल होता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार मोहनदास करमचंद गांधी टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 में हुई थी उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के लीडर बन गए उन्होंने कांग्रेस की जो जिसे आईएनसी कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी लीडरशिप संभाली

अभियान चलाएंगे फॉरेन रूल को हमारी कंट्री से बाहर करेंगे उन्होंने इस अहिंसा को सत्याग्रह का नाम दिया सत्याग्रह का मीन्स है डिमांड फॉर ट्रुथ कि वो ट्रुथ का आग्रह करते हैं ट्रूथ की मांग करते हैं इट वॉज ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन यह ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन के खिलाफ एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल था अहिंसक संघर्ष था ही प्रोपोगेट टॉलरेंस ब्रदरहुड नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग उन्होंने टॉलरेंस, सहन शक्ति भाईचारा अहिंसा और सिंपल लिविंग का प्रचार किया पूरी सोसाइटी में लोगों को यह संदेश दिया यह प्रचार किया कि हम सबको अपने अंदर सहन शक्ति ब्रदरहुड नॉन वायलेंस और सिंपल लिविंग को इंक्रीज करना होगा गांधी जी रियलाइज दैट सोशल रिफॉर्म्स वर नेसेसरी फॉर ट्रूली नेशनल स्ट्रगल महात्मा गांधी जी को यह रियलाइज़ हो गया था एहसास हो गया था इंडियन नेशनल स्ट्रगल को स्ट्रेंथ देने के लिए सोशल रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है समाज सुधार होना जरूरी है ही एस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन गुजरात वेयर पीपल ऑफ़ ऑल कास्ट्स एंड रिलीजन्स वर वेलकम्ड उन्होंने गुजरात में अपना एक आश्रम खोला जिसे उन्होंने साबरमती आश्रम का नाम दिया उन्होंने उस आश्रम में सभी कास्ट और सभी रिलीजन के लोगों को परमिशन दी थी कि वो कोई भी वहाँ आ सकते हैं सबका स्वागत किया जाता था हिज फर्स्ट मूमेंट वॉज इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स उनका पहला आंदोलन पीजेंट्स की सपोर्ट में था इट बिगेन इन चैम्परान इन बिहार इन नाइनटीन सेवनटीन ये जो पहला आंदोलन था फर्स्ट मोमेंट था वो चैम्परान में शुरू हुआ चैम्परान बिहार में है और यह आंदोलन नाइनटीन में बिगेन हुआ ही फोर्स्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज़ द प्राइस ऑफ इंडिगो फॉर द बेनिफिट ऑफ पीजेंट्स उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो इंडिगो के प्राइसेस को इंक्रीज़ करें ताकि पीजेंट्स के बेनिफिट को बढ़ाया जा सके बाय 1919 1919 में गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी इंडिया के बहुत पॉपुलर लीडर बन गए ही लॉन्च मैनी पावरफुल मास मोमेंट उन्होंने बहुत सारे मोमेंट चलाए पावरफुल मोमेंट थे बड़े बड़े मोमेंट थे आंदोलन थे ड्यूरिंग गांधी जीज पीरियड लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस आल्सो केम टू द फोर फ्रंट विद द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस डू यू नो गांधी जी के पीरियड के दौरान जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर भी सामने आए जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी कि उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ये भी एक ब्रिटिशर का नाम है मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड उन्होंने कुछ सुधार किए इन सुधारों का नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द ब्रिटिश पेड नो हीड टू द एजिटेशन ऑफ सेल्फ रूल गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री ब्रिटिशर ने कोई भी अटेंशन नहीं दी कोई भी ध्यान नहीं दिया जो इंडियन पीपल सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे तो उन्होंने इस मूवमेंट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया बट द रिफॉर्म्स वर इनसिग्निफिकेंट उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए दे इंट्रोड्यूस अनदर सेट ऑफ रिफॉर्म्स टू अपीज पीपल उन्होंने लोगों को शांत करने के लिए कुछ सुधार किए इंट्रोड्यूस किए कि ये सुधार किए जाएंगे सोसाइटी में बट द रिफॉर्म्स वर इनसिग्निफिकेंट पर उन सुधारों का हमारी सोसाइटी के लिए कोई भी महत्व नहीं था द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स बट देयर वाज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव असेंबली में और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में मेम्बर्स को इंक्रीज़ किया गया कि इलेक्टेड मेंबर्स अधिक हो जाएंगे परंतु उनकी पावर्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया उनकी पावर्स तो सेम ही रहेंगी सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट जिसे डायरेची कहा जाता है वाज इंट्रोड्यूस्ड डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे जैसे फाइनेंस पुलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर वो ब्रिटिश गवर्नर के कंट्रोल के अंडर थी एंड द इंडियन मिनिस्टर्स फॉर गिवन द चार्ज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ और इंडिया के जो मिनिस्टर थे इंडियन मिनिस्टर्स को एजुकेशन और हेल्थ के चार्जेस दिए गए बट द रियल पावर स्टिल रिमेन विद द ब्रिटिश ऑफिशियल परंतु अब भी जो वास्तविक पावर थी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथों में ही थी इंडियंस वर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द रिफॉर्म्स इंडियंस इन रिफॉर्म्स से बहुत डिसअपॉइंटेड थे तो ब्रिटिश ने जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे उनकी पावर अपने हाथ में रखी फाइनेंस और पुलिस के जो डिपार्टमेंट थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे और इंडियंस के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हें एजुकेशन और हेल्थ का चार्ज दिया गया तो रियल पावर्स अब भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथों में थी और इंडियंस इन रिफॉर्म्स से क्या थे डिसअपॉइंटेड थे बहुत अपसेट थे रोलेट एक्ट ऑफ 1919 नाइनटीन में एक एक्ट चलाया गया जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है देयर वाज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग इंडियंस एंड प्रोटेस्ट इनक्रीज इंडियंस के बीच में डिसटिस्फेक्शन बढ़ रही थी और उन्होंने ऑब्जेक्शन करना भी बढ़ा दिया द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ट दा द रोलेट एक्ट टू तो कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अब रोलेट एक्ट पास किया अपने कंट्रोल को स्ट्रोंग करने के लिए पावरफुल करने के लिए इट इम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू तो अरेस्ट एनी वन विदाउट द ए वारंट एंड एम्प्रिजम दैम विदाउट अ ट्रायल अब इस एक्ट ने रोलेट एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग गोरमेंट के पास पावर थी कि किसी भी पर्सन को वो बिना किसी वारंट के बिना किसी क्राइम के अरेस्ट कर सकते थे और उसे जेल में बंद कर सकते थे उसका जबकि कोई भी जो क्राइम है वो प्रूव नहीं हुआ होता था दिस कास्ट डोमेस्टिक डिस डेमोस्ट्रेशन एंड हड़ताल आल अक्रॉस द इंडिया इस रोलेट एक्ट के कारण पूरी कंट्री में बहुत प्रदर्शन किए गए हड़ताल की गई क्योंकि यह बहुत गलत एक्ट था इसे ब्लैक लॉ कहा जाता था क्योंकि किसी भी पर्सन को बिना किसी क्राइम प्रूव हुए अरेस्ट करके उसे जेल में बंद किया जा सकता था डू यू नो रोलट एक्ट वॉज नोन एज द ब्लैक लॉ एज़ नो अरेस्टेड पर्सन वज़ अलाउड टू गो फॉर एन अपील दलील एंड वकील रोलट एक्ट को ब्लैक लॉ ला, ला कहा जाता है क्योंकि जिस भी पर्सन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया उसके पास परमिशन नहीं थी उसे अलाउ नहीं किया गया था कि वो कोई भी रिक्वेस्ट कर सके कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सके या लायर हायर कर सके तो नो अपील नो दलील नो वकील यह रोलट एक्ट का रोल था नेक्स्ट जलियावाला बाग मैसेकर जलिया वाला बाग में, में हत्याकांड हुआ था ऑन अप्रैल थर्टीन नाइनटीन नाइनटीन द पीपल ऑफ पंजाब गैदर्ड ऑन द दियस डे ऑफ बैसाखी एट जलियावाला बाग नियर गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर अप्रैल थर्टीन नाइनटीन नाइन्टीन को पंजाब के लोग इकट्ठे हुए थे उनके एक लकी डे बैसाखी को एक एसपीसीएस लकी डे मानते हैं तो जलियावाला बाग में जो गोल्डन टेंपल के पास है अमृतसर में वहाँ पे कलेक्ट हुए इकट्ठे हुए व्हेन दे वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ टू प्रोमिनट कांग्रेस लीडर्स ऑफ पंजाब डॉक्टर सत्यापाल एंड सैफुद्दीन किचल्यू जनरल डायर ऑर्डर द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस टू ओपन फायर एट द हंड्रेड ऑफ इनोसेंट अन आर्म्ड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन तो वो लोग जलियावाला बाग में इकट्ठे होके पीसफुली शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑब्जेक्शन कर रहे थे क्योंकि उनके दो इम्पोर्टेंट लीडर्स को कांग्रेस के लीडर्स को बिना किसी क्राइम के अरेस्ट कर लिया गया था तो वो दो कांग्रेस के इम्पोर्टेंट लीडर थे पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जब वो इस तरह से प्रोटेस्ट करके बैठे हुए थे तो जनरल डायर ने अपनी ब्रिटिश आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो ओपन फायर की गोलाबारी कर दे हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड से भी ज़्यादा इनोसेंट मतलब बेकसूर मासूम लोग थे अनआर्म्ड जिनके पास कोई भी हथियार नहीं था उन मैन वुमेन और चिल्ड्रन पे उन्होंने फायरिंग करने का आदेश दिया द मैक्रे स्टर्न द होल कंट्री तो इस हत्याकांड से पूरी कंट्री शोक हुई डर गई द गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ इन पंजाब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ किया पंजाब में मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो पुलिस फोर्स होती है वो ऑन फुट मूव करती है पूरी कंट्री पूरे एरिया में अंडर मार्शल लॉ पीपल वर टॉर्चर्ड न्यूज़पेपर्स वर बैंड एंड मेल्स वर इन तो इस मार्शल लॉ के अंडर जब वो मार्शल लॉ कर रहे थे तो उन्होंने पीपल्स को लोगों को टॉर्चर किया न्यूज़पेपर को बैन कर दिया कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छपेगा और ना ही पूरी कंट्री में इस मसैकड़े के बारे में न्यूज़ जाएगी मेल्स वर इन्सोर्ड और जो मेल थे उन्हें रिमूव कर दिया गया डू यू नो टर्की सफर्ड इनजस्टिस द हैंड ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार टर्की के लोगों ने भी ब्रिटिश के हाथों फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इनजस्टिस को सफर किया सहन किया अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्टेड द खिलाफत मोमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अंडू द इनजस्टिस अगेंस्ट मुस्लिम इन टर्की टर्की में मोहम्मद अली और शौकत अली ये अली ब्रदर्स थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया जो ब्रिटिश अन्याय कर रहे थे टर्की में रहने वाले मुस्लिम लोगों के ख़िलाफ़ तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया लेटर ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी बाद में महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर द खिलाफत मोमेंट बिकेम ए पार्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट खिलाफ़त मोमेंट नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट का पार्ट बन गया तो नेक्स्ट वन इज़ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो 1920 से 1922 में चला था महात्मा गांधी सेड महात्मा गांधी ने कहा द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया विद द कॉपोरेशन ऑफ इंडियन महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तभी एस्टेब्लिश होने लगा है मतलब तभी वो स्थापित हुआ है जब इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट किया है अगर इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट ही ना करते तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टैब्लिश होता और सरवाइव होता जीवित रहता इफ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल वुड कोलाप्स एंड स्वराज वुड कम महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर इंडियंस कोपरेट करने से मना कर देंगे उन्हें सहयोग देने से मना कर देंगे तो ब्रिटिश रूल अपने आप कोलाप्स हो जाएगा गिर जाएगा ख़त्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा सेल्फ रूल एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारी कंट्री में द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 रेटिफाइड गांधी जीज कॉल फॉर नॉन कॉरपोरेशन कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920 को उसने महात्मा गांधी की कॉल को अप्रूव कर दिया था महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन के लिए कॉल दी थी नॉन कॉरपोरेशन का मीन्स होता है नॉन टू नॉट टू कॉपोरेट विद द गवर्नमेंट कि वो अब गवर्नमेंट के साथ कॉपोरेट नहीं करेंगे नॉन कॉरपोरेशन वाज डायरेक्टली अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय ब्रिटिश इन पंजाब एंड टर्की नॉन कॉरपोरेशन इनडायरेक्टली इनजस्टिस के खिलाफ था जो ब्रिटिशर के द्वारा पंजाब में और टर्की में किया जा रहा था इट बिगेन विद ये कैसे शुरू हुआ रिनाउंसिंग द टाइटल एंड ऑनर्स गिवन बाई द ब्रिटिश तो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए हुए टाइटल्स को और ऑनर्स को रिस्पेक्ट को रिनाउंस कर दिया रिफ्यूज कर दिया बायो ऑफ लेजिस्लेचर उन्होंने लेजिस्लेचर को बायोकाट किया रिफ्यूज कर दिया लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है गवर्नमेंट की बायो ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टीचर्स ने स्कूल और कॉलेज को बायोकाट कर दिया रिफ्यूज कर दिया ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया एट अलीगढ़ एंड काशी विद्यापीठ ऐट बनारस उन्होंने अपने लोकल स्कूल खोले मुस्लिम्स ने जामिया मिलिया स्कूल खोला अलीगढ़ में और बनारस में काशी विद्यापीठ ओपन किया गया बायोकाट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस एंड कोर्ट्स गवर्नमेंट के ऑफिसज़ और कोर्ट्स का बायोकाट किया गया कम्प्लीटली उन्हें बैन कर दिया गया बोन फायर ऑफ़ फ़ॉरेन गुड्स विदेशी सामान को आग लगा दी गई कंप्लीटली बर्न कर दिया गया हड़ताल्स एंड स्ट्राइक्स आल ओवर द कंट्री पूरी कंट्री में हड़ताल्स की गई और स्ट्राइक की गई आफ्टर नाइनटीन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुक द फॉर्म ऑफ मास मोमेंट विच इन्वॉल्व पीज ट्राइबल स्टूडेंट्स वर्कर्स ट्रेडर्स वुमेन एक्सेट्रा 1919 के बाद ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था वो एक मास मोमेंट बन गया बहुत बड़ा आंदोलन बन गया जिसमें पीजेंट्स ट्राइबल्स होते हैं जंगल में रहने वाले जिन्हें आदिवासी कहते हैं स्टूडेंट वर्कर्स ट्रेडर्स वूमैन सभी ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम स्ट्रेंथन हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी बढ़ गई जिससे इस मूवमेंट को पावर मिली मतलब ये मोमेंट आंदोलन पावरफुल हो गया वैन द नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट वॉज लॉन्चड पीपल होल हार्टडली पार्टिसिपेटेड इन इट जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया शुरू किया गया तो पीपल्स ने पूरे दिल से इसमें पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म करने में जो रिवोल्यूशनरी थे उनकी सहायता की तो लोगों ने पूरे दिल से इसमें पार्टिसिपेट किया आंदोलन में इसमें वर्कर्स ट्रेडर्स वुमेन स्टूडेंट ट्राइबल पीजेंट सभी इन्वॉल्व हो गए थे द ब्रिटिशर्स रिटेलिएटेड बाय इम्प्रिजनिंग ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट एक्सेप्ट गांधी जी ब्रिटिशर्स ने मूमेंट में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को पनिश करना शुरू कर दिया उन्होंने उन्हें जेल में बंद करना शुरू कर दिया मतलब जो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे उन्हें जेल में बंद कर के पनिशमेंट दी सिर्फ उन्होंने महात्मा गांधी को अरेस्ट नहीं किया नेक्स्ट वन इज़ चोरी चोरा इन 1922, द पुलिस फायर्ड अपॉन अ ग्रुप ऑफ डेमोस्ट्रेटर्स एट चोरी चोरा इन उत्तर प्रदेश ये बेटा एक प्लेस का नाम है 1922 में पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी गोली चलानी शुरू कर दी डेमोन्स्ट्रेटर्स पे प्रदर्शनकारी होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कहाँ पे उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नाम के प्लेस पे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे 1922 में पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की द एगिटेशन मोब सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर एंड बर्न 22 टू पुलिस मैन अलाइव तो एंग्री एगिटेटेड होता है एंग्री मोब सेट होता है कॉमन पीपल वो जो लोग उस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो उन्होंने गुस्से में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और ट्वेंटी टू पुलिस मैन को जिंदा जला दिया गांधी जी वॉज शॉफ्ड गांधी जी बहुत हैरान हुए ही कार्ड ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एज ही फेल्ट दैट द मोमेंट हैड लोस्ट इट्स नॉन वायलेंट करेक्टर उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया उसे वापस बुला लिया क्योंकि उन्हें लगा उन्हें महसूस हुआ कि ये मोमेंट अपनी जो मेन फीचर है उसे खो चुका है क्योंकि नॉन कॉरपोरेशन की मेन करैक्टर था मेन फीचर थी वो क्या था नॉन वायलेंस कि वो किसी के साथ भी झगड़ा या मार पिटाई नहीं करेंगे कोई भी वायलेशन नहीं करेंगे वायलेंट कंडीशन नहीं क्रिएट करेंगे परंतु अब ये नॉन वायलेंट करैक्टर को ये आंदोलन खो चुका था तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्टॉप कर दिया सम लीडर्स सपोर्टेड हिज डिसीजन बट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस अपोज द विड्रॉल ऑफ मूवमेंट ड्यू टू वन वायलेंट इंसीडेंट कुछ लीडर्स ने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया इस आंदोलन को वापस लेने में परंतु कुछ लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस उन्होंने इस मोमेंट को विदड्रा करने का अपोज़ किया कि इसे स्टॉप नहीं करना चाहिए विदड्रा होता है स्टॉप करना तो इस मोमेंट के विदड्रा करने का विरोध किया उन्होंने कहा कि एक वायलेंट इंसिडेंट से एक हिंसक घटना से हम इस आंदोलन को इतने बड़े आंदोलन को वापस नहीं ले सकते मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास फॉम्ड द दा स्वराज पार्टी टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड देन डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इनसाइड मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास ने स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई उन्होंने लेजिसलेटिव काउंसिल में एंट्री की जो गवर्नमेंट बनाने की लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसमें एंट्री की तब उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंदर से डिस्ट्रॉय करने का फ़ैसला लिया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके साथ मिलके ही उनकी गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे इन स्पाइट ऑफ सिंगल हैंडेडली स्टॉपिंग द नॉन कॉरपोरेशन मोमेंट गांधी जी वॉज अरेस्टेड महात्मा गांधी ने एक इंसिडेंट के बाद एक इंसिडेंट एक इंसिडेंट के होने के बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया इसके बावजूद भी महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया दाओ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज़ विड्रॉन प्रीमेचोरली इट वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द एंटायर कंट्री क्लोज एंड हेल्पड इन गिविंग ए नेशनल करैक्टर टू द कंट्रीज़ फ्रीडम स्ट्रगल यद्यपि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था <coughs> उसे स्टॉप कर दिया गया था अभी ये पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ था बहुत जल्दी इसे स्टॉप कर लिया गया था परंतु फिर भी यह जो मूवमेंट था वो पूरी कंट्री को नज़दीक लाने में समीप लाने में कामयाब रहा और उन्होंने कंट्री के लोगों में फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रोंग करने की भावना को जागृत किया कि कंट्री के लोग इकट्ठे हुए उनमें यूनिटी हुई जिससे नेशनल करैक्टर पावरफुल बना कि वो अपनी कंट्री को आज़ाद करवाएंगे गांधी जी कंटिन्यू टू प्रोपोगेट खादी हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को स्टॉप करने के बाद भी जो वो खादी का प्रचार कर रहे थे कि वी शुड वीअर खादी क्लॉथ्स हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अनटचेबलिटी को रिमूव करने के जो ये मूवमेंट थे इनको कंटिन्यू रखा पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट पीजेंट स्माल फार्मर्स और वर्कर्स ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया पीजेंट्स एंड वर्कर्स ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट टू अपोज ब्रिटिश एक्सप्लेशन पीजेंट्स और वर्कर्स ने भी इस फ्रीडम मोमेंट को ज्वाइन किया ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन को अपोज करने के लिए ब्रिटिश इल ट्रीटमेंट का विरोध करने के लिए और हाई टैक्सेस का विरोध करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑफ ऑफ बारडोली इन गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पीजेंट्स का साथ दिया गुजरात के बार्डोली में साइमन कमीशन 1927 ट्वेंटी साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया इस कमीशन में बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो इंक्लूड थे कि वो जाके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पास किया गया था उसको रीचेक करें दोबारा से देखें स्ट्रगल एंड द सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स टू अपीज़ द इंडियन और उस साइमन कमीशन को सजेस्ट किया गया था कि इंडियंस को जाके पैसीफाई करें शांत करें कांग्रेस डिसाइडेड टू अपोज द कमीशन एज इट डिड नॉट हैव इवन अ सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस ने इस कमीशन का विरोध किया क्योंकि इस कमीशन में इवन सिंगल सिर्फ एक इंडियन रिप्रजेंटेटिव इंडियन लीडर नहीं था जितने भी मेंबर थे इस कमीशन के सभी ब्रिटिशर्स थे इसमें एक भी इंडियन नहीं था इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया वैन एवर द साइमन कमीशन वेंट जब साइमन कमीशन इंडिया से वापस गया इट वॉज़ बायटेड बाय कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग विद ब्लैक फ्लैग्स तो इसको रिफ्यूज किया गया कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया उन्हें ब्लैक फ्लैग काले झंडे दिखाकर लाला लाजपत राय वाज सीरियसली इंजर्ड वाहिल प्रोटेस्टिंग इन ए पुलिस लाठीचार्ज इन लाहौर लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए थे जब वो लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए ही लेटर कम्बर्ड टू हिज इंजरीज बाद में उन्होंने अपनी इंजरीज को गिव अप कर दिया अपने डैमेज को गिव अप कर दिया मिनटू से उनकी डेथ हो गई वो अपनी इंजरीज से नहीं लड़ पाए और उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स लाहौर सेशन सिविल डिसोबिडियंस मोमेंट एंड रिवोल्यूशनरी मोवमेंट्स Thank you. Have a nice day.